Hello students, I am the teacher to this question and let me explain this question to you. Now, the question says, a solution turns blue litmus red. The pH of solution is probably 8, 10, 12, 6. तो इस question में हमें पूछा गया है कि हमारे पास एक solution है जो blue litmus का color red कर देता है. तो pH इस solution का क्या हो? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो pH values होती हैं वो हमें सब्सटेंस का केमिकल नेचर बताती है. तभी यहाँ पे आपको एक लिटमस पे इफेक्ट दिया गया है और उसका पीएच पूछा गया है. और केमिकल नेचर जो सब्सटेंस की होती है वो एसिडिक हो सकती है, वो बेसिक हो सकती है, वो न्यूट्रल हो सकती है, राइट. अब पीएच वैल्यूज़ हमें कहाँ पे पता लगती है? पीएच स्केल से, राइट. पीएच स्केल क्या होता है? एक ऐसा स्केल जिसपे 0 से लेकर 14 तक वैल्यूज़ होती हैं और मिडिल पॉइंट रहता है 7. अगर स्केल पे किसी की वैल्यू 0 से 7 के बीच में आ रही है तो उनको हम क्या कंसिडर करते हैं? दैट दे आर एसिडिक इन नेचर. और अगर 7 से 14 के बीच में आ रही है तो उनको हम क्या कंसिडर करते हैं? बेसिक इन नेचर. और 7 वाले को हम क्या कहते हैं? दैट इट इज़ न्यूट्रल, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक. अब ब्लू लिटमस रेड, तो यहाँ पे पहले लिटमस को भी जान लेते हैं. लिटमस एक इंडिकेटर है. लिटमस क्या है? एक इंडिकेटर. इंडिकेटर क्या होता है? जब आप उसको एसिड या बेस के साथ ट्रीट करते हो तो आपको उसके अंदर चेंजेस दिखते हैं. और वो चेंजेस क्या हो सकते हैं? इट माइट चेंज इट्स कलर, राइट, और इट माइट चेंज इट्स ओडोर. उसकी स्मेल में भी फ़र्क आपको लग सकता है जब उसको आप एसिड या बेस के साथ ट्रीट करो. बट लिटमस में एक कलर चेंज वाला इंडिकेटर है, मतलब हमें कलर चेंज दिखता है. अब लिटमस को जब हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमने देखा कि जो एसिड होता है इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. वो ब्लू लिटमस का कलर क्या कर देता है? रेड. और जो बेस होता है इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. अब इसका मतलब जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस रेड करते हैं. और आपको पता है एसिड्स कौन होते हैं? जिनका पीएच 0 से 7 के बीच में लाई करता है. बेसिस लिटमस को रेड टू ब्लू करते हैं. और बेस कौन होते हैं? जिनका पीएच 7 से 14 के बीच में लाई करते हैं. तो चलिए हम अपना क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं. हमें था कि यहाँ पे सॉल्यूशन ब्लू टू रेड हो रहा है. ब्लू टू रेड हो रहा है मतलब यहाँ पे एसिड की बात हो रही है. तो पीएच क्या होगा? ऑब्वियसली 0 से 7 के बीच में लाई करेगा. तो यहाँ पे 0 से 7 के बीच में वाली सिर्फ एक ही वैल्यू दिख रही है हमें, दैट इज़ डी. सो दैट मीन्स द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन विल बी 6. दैट्स ऑल द एक्सप्लेनेशन टू द क्वेश्चन. थैंक यू.